नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सबसे शक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दसों दिशाओं और चारों युगों में इनका प्रताप है, इसीलिए कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जानकारी लेकर के आए हैं। आज रात सोने से पहले बस एक बार बोल दे ये गुप्त चौपाई और खुद 30 सेकंड में अपनी आंखों से देखें चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ा समझ लो उसका सभी संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना जितना प्रभावशाली होता है, वहीं इनकी कुछ गुप्त चौपाइयां ऐसी हैं जिनका आप यदि जाप कर ले तो कम समय में ही अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रति मंगलवार का व्रत करने से, यानी कि हर मंगलवार का व्रत करने से और हर रोज हनुमान जी का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, इनके मंत्र जाप से, हनुमान चालीसा तथा बजरंग बली के बजरंग बाण का पाठ करने से स्वतृत फल प्राप्त होता है, यानी कि हर प्रकार से सफलता का फल प्राप्त होता है। आपके मन में चाहे कोई भी इच्छा हो, आप यदि हनुमान चालीसा के मंत्र जप, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का जाप करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं, तो ये मानिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बार जो कोई व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ गया तो समझ लीजिए उसके सभी संकट को उन्होंने टाल दिया। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट में बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवताओं, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में ही भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का तो राम ही भला करे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दसों दिशाओं और चारों युगों में उनका प्रताप हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के जीवन की सभी तरह की बाधाओं का निराकरण होता है। सबसे असरकारक और सबसे जल्दी फलदायी और सफलता प्राप्त करने वाली चौपाई है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस चौपाई को बताने से पहले एक बार आपसे हमारी विनती है कि आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंग बली अवश्य लिख दें, ताकि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा अवश्य हो। दोस्तों, इस चौपाई को जितना सुनना आसान लगता है वहीं इसके नियम भी हैं जो आपको हो सकता है कुछ मुश्किल भी लगे। दोस्तों, इस चौपाई को आप या तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद इसका जाप करें। दोस्तों, इसकी जाप संख्या 108 है, यानी आपको इस चौपाई को 108 बार जाप करना होगा। और सूर्य उदय होने से पहले अगर आप करना चाहते हैं तो भी एक ही नियम है, और यदि आप सूर्य अस्त के बाद करना चाहते हैं तो आपको ये रात के 8 बजे से पहले पहले ही पूर्ण कर लेनी होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के बैठ जाना है, और बैठने के लिए आप विशेष तौर पर लाल रंग के आसन का ही प्रयोग करें। यदि नहीं है तो आप बाजार से नया लेकर के आ सकते हैं, और अगर आपको बाजार जाना मुमकिन ना हो तो आप किसी भी प्रकार के आसन पर कोई भी लाल कपड़ा थोड़ा सा बिछा करके, छोटा सा एक पीस लाल कपड़े का बिछा करके उस पर आसीन हो सकते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति के सामने एक दीपक को उसमें देसी घी भरकर प्रज्वलित कर दें, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपने जो उसमें बत्ती इस्तेमाल करी है वो एक लाल रंग की बत्ती हो। इसके बाद दोस्तों, आपको एक बार संपूर्ण हनुमान चालीसा का पूर्ण लगन और पूर्ण विश्वास के साथ जाप कर लेना है। उसके बाद जो आपको हम चौपाई बताने जा रहे हैं, इस चौपाई का आपको 108 बार जाप करना है अपनी आंखें बंद करके। चौपाई कुछ इस प्रकार है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जी हाँ दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी से क्यों डरे। दोस्तों, इस चौपाई के निरंतर जाप करते रहना चाहिए। बजरंग बली को यह चौपाई बहुत ही प्रसन्न है, और वे आपकी हर संकट से रक्षा करते हैं, अपने हर भक्त को उनकी रक्षा के दौरान उनको विशेष सफलता का प्रदान भी देते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देह में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।